क्या आप लोग को एक क्यू एंड ए वीडियो चाहिए? नहीं। हाँ तो फिर बिना किसी देरी के इंट्रो लगा के शुरू करते हैं। ओके तो फेलस, स्वागत है आपका हमारी क्यू एंड ए वीडियो में। तो काफी ज्यादा जो मुझे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये हैं। तो मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफू है। रखिएगा, मैंने वाइफ नहीं बोला वाइफू, और जिनको नहीं पता एनमे को किसी वो करेक्टर बोलते हैं वाइफ, वो जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एनिमे की फीमेल करेक्टर, ठीक है? जिनको नहीं पता मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर रियल नेम? तो मेरा रियल नाम है सेबेस्टियन, जो मेरे चैनल का नाम है, हाँ तो यही रियल नाम है। थर्ड क्वेश्चन है, सर यू हैव अ गर्लफ्रेंड? भाई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने बता दिया जैसे कि के। तो सेकंड क्वेश्चन है, यू लाइक एनिमे? हाँ भाई क्यों नहीं, ऑफकोर्स एनिमे तो मेरे को इतना पसंद है कि भाई साहब मैं कुछ भी करके एनिमे देखना चाहता हूँ। और अब जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा एनिमे आने वाले हैं अगले मंथ, और रेंट अ गर्लफ्रेंड का तो पार्ट सीजन आने वाला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ योर इंस्पायरेशन? बीस्ट बॉय शुभ, या मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और चैनल भी, बिकॉज मैंने उन्हीं को देख के खोला है। ओके तो अगला क्वेश्चन है, वॉट इज़ योर फेवरेट वाइफू? ओके तो मेरी वाइफू है मीकू नखानो, और मैं बता रहा हूँ चाहे एनिमे की जितनी भी लड़कियाँ आ जाए, इसकी यहाँ तक कि पांचों सिस्टर्स इतनी ब्यूटीफुल हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे, देख ही रहे इनकी पांचों सिस्टर, चारों सिस्टर कितनी ब्यूटीफुल हैं। लेकिन मीकू नखानो मुझे पसंद है क्योंकि मैं इसके साथ लॉयल रहूँगा हमेशा, चाहे दुनिया की कोई भी वाइफू आ जाए मेरे सामने, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला कभी भी। और ये मेरी फर्स्ट वाइफू थी रोमांस एनिमे से, या तो ये मेरी फर्स्ट ही बन के रह गई। बाकी जो वाइफूज हैं मैं जैसे बात करता हूँ, लेकिन वो कोने में कहीं मैं घुसी पड़ी हुई हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ जाएँ, पर मीकू मेरे हमेशा चाहिए, मीकू मेरे स्क्रीन के सामने भी हमेशा लगी रहती है। हाँ आप जानते हो पिछली वीडियो में आपने डीमन स्लेयर देखा होगा, तब मैं डीमन स्लेयर का फैन बना था, बट फिर मेरे को मीकू की याद आई, मैंने मीकू को वापस लगा दिया उधर। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लीज़ सर वॉच आर रेंट अ गर्लफ्रेंड प्लीज़? तो भाई बहन आप जो भी हो, एनिमे हॉट गर्ल, पता नहीं क्या लिखा है इसका नाम, भाई बहन आप जो भी हो, मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड देख रहा हूँ, जानता हूँ थोड़ा सा अडल्ट हो जाता है वो एनिमे, लेकिन मुझे एक सर की वीडियो, मैंने उससे पहले जब मैंने एज रिस्ट्रिक्शन चेक की तो ये एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और जब मैंने यूट्यूब पर जाकर चेक किया तो उन्होंने बोला ये थोड़ा सा जिसमें दिखाया गया इस एनिमे वो थोड़ा ओवर हो जाता है, मगर उस आदमी ने बोला मेरे वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, तो इस वजह से मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक देने वाला हूँ, तो आप उधर जाइए। मैंने उसको री एडिट करके अपलोड किया, उस सीन्स को जो ज़्यादा अडल्ट हो जाते हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया, तो मैंने भी वहीं से देखा है, मैंने मम्मी कसम मैंने वहाँ से बिल्कुल नहीं देखा अडल्ट कोई भी। तो यह तो मैंने भी उनकी वीडियो डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे एपिसोड 1 अपलोड किया है, आप अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर भी बहुत जल्द रिव्यू वीडियो आने वाली है, इसके बाद भी शायद थर्ड या फोर्थ वीडियो, क्योंकि इसके बाद मैंने गेमिंग वीडियो डालनी है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल? तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था पैसों के लिए, हाँ मैं लालची हूँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा, मगर फिर मैंने बीस्ट बॉय सर को जब देखना शुरू किया यूट्यूब पे, तो वो उन्होंने भी यही अपना बताया था, उन्होंने भी पैसों की वजह से शुरू किया, लेकिन फिर बाद में उनको अपनी ऑडियंस से प्यार हो गया, तो यह तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने भी मज़े के लिए बस वीडियो डालना शुरू किया। तो यह हम कहाँ पर हैं, हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं और 4000 के व्यूज़ हम कर चुके हैं एक साल के अंदर। तो ये है जो दिल आपका, मैंने भी पैसों के लिए, अगर आप पैसों के लिए यूट्यूब कर रहे हैं तो मत करिए, रहने दीजिए आप, अगर आप अपने मज़े के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप करिए, आप बहुत जल्द ग्रो होंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पैसों के लिए कुछ भी करो तो मत करो, अपने प्यार को और अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए मैं करता हूँ जो भी करता हूँ, और चाहे वो वीडियो में चाहे मैं जो भी बोलता हूँ। और अब प्लीज़ मेरी वीडियो अपने पेरेंट्स के सामने मत देखा करो, खासतौर तो टीवी पर मत चला कर देखा करो, जो टीवी पर चला कर देखते हैं भाई साहब ब्यास की डैड, पेरेंट्स मेरी वाट लगा देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वाट लगा देंगे, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, आई लव योर वीडियो सर, तो थैंक यू ब्रो, जो भी हैं आप तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मोटिवेट यू अपलोड वीडियोस? तो ओके मुझे मोटिवेट करती है मीकू, और मुझे मीकू ही मोटिवेट करती है, सो मैं कह रहा था मुझे मीकू मोटिवेट करती है, मुझे और कोई मोटिवेट नहीं करता। तो यह मैं कभी भी अकेला या मेरे को डिप्रेस फील होता है तो मैं मीकू से बात कर लेता हूँ, जानता हूँ वो एक एनिमे कैरेक्टर है और पर असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दिल मेरा काफ़ी हल्का हो जाता है उससे बात करके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर मॉम एंड डैड नो यू हैव अ यूट्यूब चैनल? हाँ, तो उन्हें पता है मेरे पास यूट्यूब चैनल है, इस वास्ते मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है क्योंकि मैं गेम सारा दिन गेम्स खेलता रहता हूँ, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, सारा दिन गेम्स खेलते रहता हूँ और फिर शाम के टाइम एनिमे देखता हूँ और फिर थोड़ा सा यूट्यूब चलाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ ये वगैरह वगैरह, इसी में मेरे 24 घंटे निकल जाते हैं, रात के 10 बजे तक मैं फ़ोन चलाता रहता हूँ सुबह से, तो यह इस वजह से मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है, तो फिर भी तो उनको पता है, फिर भी मुझे डांट पड़ती है, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं वीडियो डालनी चाहिए, जब कभी कभी मैं बोलता हूँ कभी छोड़ दूँ, पर वो भी बोलते हैं वीडियो डालते रहो, क्या पता किस दिन तुम्हारी किस्मत खुल जाए और तुम बड़े यूट्यूबर बन जाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट टाइम एनिमे कब देखा था? ओके, तो ब्रो मैंने फर्स्ट टाइम एनिमे टीवी पे देखा था ड्रैगन बॉल जी, तो मेरे को कार्टून समझ के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं खुद को गोकू ही समझ रहा था पता नहीं क्यों, बट फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब मैंने एनिमे देखा था तब भी मैं कार्टून ही समझ रहा था, तब मैं अपने मामू के पास गया क्योंकि उनकी डाउनलोडिंग शॉप है कंप्यूटर में जो मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर देते हैं USB वगैरह में, तो उनके पास गए थे, उनके पास एक नया कार्टून आया था एनिमे मेरा मतलब, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, गाँव वाली साइड पर रहती, सुनामी आ जाती है समंदर की साइड पर, ऐसे करके कुछ नाम था, मेरे को नाम नहीं आता, मैंने बहुत पहले देखा, 10 साल का था तब मैं, 10 से 8 साल का, तब मैंने उसको कार्टून समझा, तब देखा था मैंने सेकंड एनिमे, और उसके बाद मैंने अभी जब मुझे एनिमे के बारे में पता चला तब से मेरे पता नहीं मैंने कितनी वाइफूज मिस की हैं, इतने हॉट हॉट मैंने एनिमे देख चुका हूं पहले भी, उनको मैं कार्टून नहीं समझता था, कितनी वाइफूज मैंने मिस कर दी। ओके, तो फिर से एक क्वेश्चन, हाउ मच यू हैव गर्लफ्रेंड्स? भाई एक भी नहीं है बता चुका हूं, बस मेरे पास मीकू और मीकू मैं और गया, बस इतना ही। अब मैं तुम्हें रिसेंटली एक बताता हूं, तो एक स्टोरी टाइम वीडियो आने वाली है, तो यह तो बट मेरे को गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं, मुझे लड़कियों से लगता है डर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आर यू लाइक रियल BBS वीडियो? ओके, तो मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा BBS के फेक चैनल, लेकिन मैंने पहले से उनको सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं उनकी डेली वीडियो देखता हूँ, तो अभी रिसेंटली शायद उन्होंने कल वीडियो अपलोड की है आई थिंक रेडिट रिव्यू की, तो मैंने वो देखी, काफ़ी अच्छी थी उनका वो वाला सीन, मेरे को बड़ा काफ़ी अच्छा लगा, जब उन्होंने पिछले रेडिट रिव्यू में उन्होंने किया था कि उनकी अंडर आर्म्स स्वेट कर रही थी शर्ट की वजह से, तो उन्होंने मैं अपनी अंडर आर्म्स ऐसे नहीं दिखाऊंगा, वो सीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा फनी लगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मोबाइल नेम? तो मैं आईफोन 8 प्लस यूज़ करता हूँ गेमिंग के लिए, और अगर माइनक्राफ्ट वगैरह की बात होगी तो मैं पता है मैं इतना गरीब हूँ कि मैं पैसे नहीं लगाता किसी भी गेम पे, तो या अगर मैं कोई और गेम जो पे हैं उनको उनका APK अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो वो मेरे पास है मीजू प्रो 7 मेरी बहन का, तो मैं उसमें डाउनलोड करके खेल लेता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन, योर पेरेंट्स सपोर्ट यू? मे बी शायद या मे बी नॉट, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया आगे, तो उस हिसाब देखा जाए तो वो मुझे करते भी और नहीं, 100 में से सिर्फ 5% मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी तो मुझे बोलते चला जा बॉस। ये तो फाइनली, व्हाट इज योर फेवरेट कंट्री? मेरा पसंदीदा क्वेश्चन यार जापान, जापान मेरी फेवरेट कंट्री, इस वजह से तुम बोलोगे कि और भी इतनी अच्छी अच्छी कंट्री है, जापान मेरी इस वजह से फेवरेट है यू बिकॉज एनिमे, यू नो हर एनिमे लवर को जापान ही पहले जाना होता है, तो यह जापान जाऊँगा, डैम ब्रो मैं बता नहीं सकता, इधर थोड़ी सी एज रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, लेकिन समझने वाले समझ गए मैं क्यों जापान जाना चाह रहा हूँ एनिमे की वजह से। ओके, तो अगला क्वेश्चन, व्हाई आर यू लाइक एनिमे गर्ल्स? तो मैं मुझे वो इस वजह से अच्छी लगती हैं क्योंकि क्योंकि मुझे असल में लड़कियों से डर लगता है, तो यह वो कुछ कहने नहीं वाली, वो पहली बात तो वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, दूसरी बात वो इतनी क्यूट और मासूम होती हैं, या मैं बता नहीं सकता कि इतनी, कोई भी फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसे उस पर क्रश आ ही जाएगा, तो यह मेरी तो मीकू ही है, दूसरी मुझे पसंद है लेकिन मीकू जितनी कोई नहीं मुझे पसंद आई आज तक। तो अगला क्वेश्चन है, आर यू लाइक जापानीज कल्चर? यह कल्चर मुझे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यह इतना हॉट कल्चर डैम, और पहली बात एनिमे उधर बनता है तो वाई नॉट, मुझे कल्चर क्यों नहीं पसंद आएगा यार, मैं एनिमे इस तरह से देखता हूँ। तो फिर से एक और क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ड्रीम प्लेस? तो जापान बता दिया मैंने बहुत पहले ही, तो यह अगर सेकेंड कंट्री कोई है तो वो है इंग्लैंड, अगर मैं जाना चाहूँगा तो। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर जिनशन इंपैक्ट वीडियो इज़ नॉट कमिंग? तो यार वो जिनशन इंपैक्ट वीडियो मैंने सोचा कि सुबह मैं खेलता हूँ जिनशन इंपैक्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने जैसे वीडियो ओपन की तो यार कोई अपडेट नहीं आया, मैंने सबसे पहले जाके ऐप स्टोर पर यही चेक किया, अपडेट तो आएंगे, अपडेट में मेरी बहुत ज़्यादा वो रेम ले लेता और जिनशन इंपैक्ट थोड़ी सी जैसे अपडेट की लैगी हो जाती मेरे फ़ोन में फिर भी, तो मैंने जब चेक किया तो वो रिसोर्स पैक ले आया था भाई साहब, 7 GB के रिसोर्स पैक, खाली रिसोर्स पैक समझ रहे हो ना, रिसोर्सेज, तो यार वो मुझे GB से JB से कोई मतलब नहीं, जितनी मर्जी स्टोरेज लें यार, मेरा टाइम है, मैं टाइम का वो बहुत आलसी बनना, मुझे टाइम बचाना बहुत अजीब, मेरे को टाइम यार जब लगता है ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मेरे को टाइम बचाना पसंद है,
मैंने बोला 10-15 मिनट मुझे भाई 1.5 घंटा होगा तब जाके सिर्फ उसकी आधा हुआ रिसोर्स, तो मैंने फिर उसको हटा दिया। मैंने बोला चलो जब फारिक टाइम होगा तब बनाऊंगा। तो पर आने वाली है जिनशन इंपैक्ट की वीडियो, टेंशन मत लो, ये मत समझो कि मैंने सीरीज ड्रॉप कर दी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट गेम? तो मेरी फेवरेट गेम रह चुकी है, पहले मैं पबजी खेलता लेकिन पबजी में मेरा दिल नहीं उठा, इस वजह से 1 साल हो गया वीडियो नहीं। तो मेरी फेवरेट गेम है माइनक्राफ्ट, सभी की होगी, और सेकंड फेवरेट गेम है जिनशन इंपैक्ट। यह अगला क्वेश्चन है, यू हैव अ जीएफ ब्रो? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फादर नेम? तो मेरे पापा का नाम है इमरान, मेरे फादर का नाम है इमरान। तो यह पर उनका नाम मादरा उचीहा होता तो कुछ ज़्यादा बैडस लगता, मजाक कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।